हेलो बच्चों, वेलकम टू सबका टॉपर चैनल। और हम सभी क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में रियल नंबर्स में चल रहे हैं। और उसमें जो एक्सरसाइज 1.2 आपका है उसके साथ उसमें हम जो आएंगे उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसमें हम दे देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने ये सीखना है इसमें कि HCF का कंसेप्ट क्या होता है, HCF एंड LCM, है ना। HCF एंड LCM का कंसेप्ट यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि HCF और LCM का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब क्या होता है। HCF का मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हम लोग सीख चुके हैं, और LCM का मतलब क्या हुआ, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर डिफाइन करने की बात होगी तो उसमें क्या होता है कि HCF ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट HCF को इज़ द इट इज़ द HCF को अगर देखें हम, HCF जो होता है हमारा इट इज़ द product of, it is the product of highest or maximum number, highest or maximum number of common factors in the given number, in the given numbers। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि HCF of two or more than two numbers है ना is the product of, it is the product of highest or maximum number of common factors in the given number, it is also noted। तो इसमें हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि HCF में अब यहाँ पर highest और maximum number of common factors, ये जो factors की बात आ रही है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये फैक्टर्स की मतलब क्या होती है, वट इज़ मीन बाई फैक्टर। तो इसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से भी हम लोग किए थे, जो एक्सरसाइज 1.1 में था, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से हम लोग निकाले थे। और इसमें जो प्रोसेस है वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है। तो उसका ये मेथड जो इस चैप्टर में हम लोग करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि आप फैक्टर्स में उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो जो भी गिवन नंबर्स होंगे उनको फैक्टर्स में लेंगे, और फिर प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर समझना ज़रूरी है, और फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है इसको एक एग्जाम्पल के सहारे हम लोग समझते हैं। अगर फैक्टर्स आपने समझ लिया तो फिर उसको समझने में आसानी होगी। तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स, फैक्टर्स हम किसको डिफाइन करते हैं, फैक्टर को समझने के लिए क्या करेंगे हम। तो अगर एक क्वेश्चन आपको डालूँ मैं कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 250, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 250, तो आप क्या करोगे, आपको बताना है कि इतने फाइंड द नंबर, अब कितने नंबर्स हो सकते हैं, नंबर में हम 5 नंबर होंगे, 7 नंबर होंगे, या 6 नंबर होंगे, 8 होंगे, कितने नंबर्स होंगे। अगर 250 के बारे में फैक्टर्स पूछा जाए तो हमको लग रहा है कि आप सभी को इसमें कन्फ्यूजन होगी कि व्हाट डू मीन बाई फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स की मतलब क्या होती है कि एग्जैक्ट डिवीजन, जो हमने अभी पीछे क्लास में देखा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में, डिवीजन को कंसेप्ट समझाए थे आपको, डिविडेंड समझा दिए थे और रिमाइंडर समझा दिए थे। तो वैसा डिविडेंड, वैसा जो डिवीजर होगा, जो जिस डिवीजर से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि रिमाइंडर जीरो हो जाए, रिमाइंडर जीरो हो जाए तो कम्प्लीटली डिवीजन का मतलब हो गया। और वो डिवीजर जो होगा, वो डिवीजर इसके लिए क्या होगा, फैक्टर्स का रूप होगा। तो एन एग्जैक्ट डिवीजर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिवीजर को हम देखें फैक्टर्स के रूप में, तो फैक्टर्स क्या होगा हमारा, एग्जैक्ट डिवीजर हो जो होगा, एग्जैक्ट डिवीजर है ना, इसको हम एक लाइन में दे दूँ यहाँ पर कि एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द नंबर।
दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो अब 250 को अगर हम देखें तो 250 का फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स इसको देखना है तो हमें इसमें प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर से देखेंगे, बट यहाँ पर इसको देखना है कि आपको इसका फैक्टर किस तरह से बनाओगे। फैक्टर बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं इसको, टू टू से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 × 125 हो जाएगा हमारा, फिर वो इक्वल टू क्या होगा 5 × 50 कर सकते हैं हम, वो इक्वल टू हो जाएगा 10 × 25 कर सकते हैं, और फिर ये आ गया हमारा 25 × 1। तो अब देख लो कि ये 250 नंबर, ये नंबर है हमारा और ये फैक्टर के रूप में आ रहा है, 2 × इतना 5 × इतना दिस मच। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हो गए इसमें, इसमें नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हो गए, जो भी नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आएगा इसमें वो हमारा, सो क्या नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या सब है? अभी भी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें कन्फ्यूजन होने के लिए, कन्फ्यूजन जो होती है उसी को हम दूर कर रहे हैं। ये कन्फ्यूजन आपको हर जगह दूर नहीं हो पाएगा, यहाँ पर अभी आप इसको दूर करो। ये जो फैक्टर्स जो होंगे, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, आर ऑल फैक्टर्स क्या सब होंगे, यहाँ पर देता हूँ मैं इसका आंसर यहाँ पर। सो कौन कौन सा फैक्टर होगा, किस किस से डिवाइड हो रहा है, ये फैक्टर हमारे सामने आ गए। देखो इस तरह से फैक्टर्स हमारे पास आ गए और इसमें हम क्या देख सकते हैं, सो 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, 25 हो गया, 50 हो गए, 125 हो गया एंड 250 ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 250। तो हेंस नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए इसमें, हेंस नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 250 इज कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 इज द नंबर ऑफ, सो 8 इज आंसर, ये आंसर हो गया। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, चूंकि HCF तो हो गया हमारा, LCM के बारे में अगर थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं हम, है ना, फिर तो प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें तो क्लियर हो ही जाएगा सॉल्यूशन में। तो LCM के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि LCM का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई LCM, LCM का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM का मतलब होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या कंसेप्ट होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, ऑल द प्राइम फैक्टर्स दैट occurs in these numbers। तो इन दीज नंबर्स से मतलब ये हो रही है कि जो कॉमन फैक्टर आएगा हमारा उसमें जो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ मैक्सिमम हाईएस्ट पावर को क्या करेंगे, ऑल द प्राइम फैक्टर्स, तो हाईएस्ट पावर्स को हम लोग इसमें लेते हैं, है ना, वो चीज़ इसमें समझने की बात है कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट और मैक्सिमम पावर, यहाँ पर प्राइम नंबर से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं इसको, प्राइम फैक्टर जो है हमारा, ये इस तरह से हम LCM का कंसेप्ट देखते हैं। तो LCM का कंसेप्ट समझने से पहले हम थोड़ा इसमें अब ये समझना है कि कॉमन फैक्टर की मतलब क्या होती है, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। कॉमन फैक्टर या फिर हम मल्टीपल समझ लेते हैं, यहाँ पर कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है ये समझो आप, मल्टीपल्स इज व्हाट इज मल्टीपल्स, मल्टीपल्स के मतलब क्या हो रही है। तो मल्टीपल जैसे कि आप टेबल्स पढ़ते हैं हम लोग, है ना, 2 का टेबल या 3 का टेबल, तो एवरी टर्म्स जो एवरी नंबर्स जो मल्टीप्लाइड होते हैं ना, जो एक नंबर से मल्टीप्लाइड होकर जो भी नंबर्स हमारे सामने आते हैं वो हमारा मल्टीपल कहलाते हैं। तो मल्टीपल को अगर हम देखें, a multiple is the number obtained by multiplying it with other natural numbers या other
आप और सेम कर दो, अदर और सेम नंबर, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं हम, सेम नंबर। तो इसका फॉर एग्जांपल अगर देखें हम तो क्या हो सकता है, फाइव इंटू, अगर सपोज करो फाइव इंटू वन किए हम, दिस इज योर फाइव, फाइव इंटू टू टू टेन, फाइव इज टू थ्री इक्वल टू फिफ्टीन, फाइव इंटू फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी। तो अब ये पाँच, दस, फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ये सब जो हो गए ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ फाइव हो गए। फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइव को वन से किए फाइव आया, फाइव को टू से किए टेन आ गया, फाइव को थ्री से किए फिफ्टीन, इस तरह से किया। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं हमारे फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ, मल्टीपल्स ऑफ फाइव। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है, ये मेथड होता है हमारा, और इसमें हम सीखते हैं कि एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर कहने का मतलब क्या हुआ, कि एक्सप्रेसिंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट। अब प्राइम क्या होती है, प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, जो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से हमारे सीखे हुए हैं हम लोग, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, प्राइम फैक्टराइजेशन 24 और 56 को अगर देखें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 अगर ऑब्जर्व करें हम, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 क्या होगा, 24 इज़, आप सोचो, इसको थोड़ा सोचना और फिर इसको लिखना है, क्या लिखोगे आप, तो इस चीज़ 24 को डिवाइड करते जाएंगे हम, अगर डिवीजन करते जाएं सपोज करो तो छोटे से छोटे पार्ट में प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर क्या हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे फिर 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से लगा देंगे हम तो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस हमारा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका मतलब क्या हुआ कि 24 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन प्रोसेस हुआ, कि उसको एक प्रोडक्ट के रूप में हम एट ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं, और फिर उसके बाद हम कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जो एचसीएफ निकलता है तो उसमें एक एक नंबर को हम जो दोनों में कॉमन होते हैं वो नंबर ले लेते हैं। जब एलसीएम निकालना होता है तो उसके हाईएस्ट पावर्स को हम देखते हैं ना, हाईएस्ट पावर मतलब क्या हुआ कि एसटीएफ में लोएस्ट लेते हैं तो लोएस्ट में यहाँ पर हाईएस्ट पावर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। अगर यहाँ पर एचसीएफ की बात होती है तो एचसीएफ में क्या देखते हैं हम लोग कि वहाँ पर सिर्फ एक मैक्सिमम नंबर को यूज़ करते हैं, कि उसके हाईएस्ट पावर को नहीं लेकर के जो मिनिमम पावर्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। और एलसीएम में एलसीएम को नंबर से ज़्यादा दोस्ती है, एचसीएफ को नंबर से हेट है, नंबर डिसलाइक करता है। एचसीएफ जो है नंबर डिसलाइक होते हैं और एलसीएम जो है नंबर्स को लाइक किया जाता है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन, फिनिश टॉपिक हो गया आपका। उसके बाद फिर एक कंपोजिट नंबर आते हैं, जो वो कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट कुछ अगर होगा तो प्रॉब्लम के सहारे हम डिस्कस कर देंगे उसको। एंड आफ्टर दिस यू हैव फिनिश, वी हैव फिनिश द इंट्रोडक्शन टॉपिक एंड देन एक्सरसाइज सॉल्यूशन विल बी गिवन इन नेक्स्ट वीडियो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए सबका टॉपर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपलोडेड वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए।